चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको कोरोना वायरस की अभी तक सीरियसनेस पता नहीं चल रही है, जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस मतलब कि कुछ नहीं होता है, जो लोग ऐसा बोल रहे कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे छोटा मोटा बुखार रहता है, जो जैसे छोटी मोटी चीजें होती है, इंसान बीमार पड़ता है ठीक हो जाता है, वैसा ही कोरोना वायरस। बट आपको पता नहीं है कि कोरोना वायरस मतलब कि ऐसी ये जो बड़ी सी महामारी है, नाम उसका भले जो भी हो, ये जो बड़ी सी महामारी आई है ये आपकी जिंदगी में आज तक कभी नहीं आई होगी। ये सर्दी बुखार या खांसी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो आप लोगों को सीरियसनेस पता नहीं चल रही इस चीज का। ये मुझे लगता है 100 साल हो गए होंगे, इससे पहले अगर आया हो तो पता ही नहीं है, बट इससे के बाद ये इन 100 साल में अगर मतलब कोई इंसान जिंदा भी होगा ना, 100 साल का भी होगा ना, तो उसने भी नहीं देखा होगा इतनी बड़ी महामारी। उनको इसका क्या बोलते सीरियसनेस पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैंने नहीं सोचा था मैं बनाऊंगी। बट मैं देख रही हूँ अपने आजू बाजू में टीवी पे न्यूज देख रही हूँ, लोग मस्त आराम से बाहर घूम रहे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों की क्या हालत हो रही है, लोग यहाँ मर रहे हैं, तो उनको मतलब जिंदगी की भी वैल्यू नहीं है। और आपको आपकी जिंदगी की वैल्यू नहीं है वो तो अलग बात, बट आप दूसरों की जिंदगी किसी के साथ भी खेल रहे हो, क्योंकि ये क्या है ना मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये टच से हो रहा है कि आपका किसी और से स्पर्श हो गया, उसको हो गया, उसका किसी और को हो गया, उससे हो गया। और ठीक है आपको ना भी होगा ना, तो आप बाहर घूम रहे हो ना, तो आपको अगर किसी और का लगा तो इस थ्रू वो फैल रहा है, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सबको रिस्क में डाल रहे हो। तो आप लोगों मतलब जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रही ये चीज कि आप आपके माँ बाप को या आपके बच्चों को भी रिस्क में डाल रहे हो आप अगर बाहर घूम रहे हो। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि घर में 21 दिन तक घर में बैठ के क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, जब आपको छुट्टियां नहीं मिलती थी तो उस टाइम पे आपको लगता था ना छुट्टियां, तो घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी देखो, जो करना है करो, बट बाहर मत घूमो ना। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही ये चीज कि इंडिया में अभी सबसे कम रेट है, सेकेंड स्टेज पे इंडिया है, कि इंडिया को आपको थर्ड स्टेज पे लेके जाना है। हाँ परी, हाँ इतने छोटे छोटे बच्चों को मैंने कल ही एक न्यूज देखी, मैं अभी मुंबई में 1.5 साल के बच्चों को कोरोना वायरस हुआ, तो अभी तक आप लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि कोई छोटी मोटी बीमारी है क्या? आप पता है मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, जब ना देश कुछ हो जाता है ना और देश कोई मतलब सरकार कोई कदम नहीं उठाता है ना, तो बहुत लोग बोलते कि यार सरकार ने ये करना चाहिए था वो कर। अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पे सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, 21 दिन तक लॉकडाउन रखा कि आप घर के अंदर रहो, जिससे कि हमारी सेफ्टी है, सरकार का कोई फायदा नहीं इससे, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं, मस्त आराम से बाहर घूमते। तो अगर उनको किसी ने बोला कि आप क्यों घूम रहे हो या घर में रहो, तो वो उल्टा बोलते कि इतनी कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, आपको बोल के होने वाला है, कुछ होगा या नहीं होगा। और आपको नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप बाहर घूम रहे हो तो आप कितने लोगों से मिल रहे हो या आपके आजू बाजू से कितने लोग पास हो रहे। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आपके 1 मीटर का अंतर भी रखा हो ना, तो भी आपको वो बीमारी छू के जा सकती है, तो भी आपको वो हो सकता है। और आपको अगर आपको ये कोरोना वायरस हो जाता है तो आपके साथ साथ पूरी आपकी फैमिली को होगा, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप उनकी लाइफ में रिस्क में डाल रहे हो, उनकी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो, अगर आपके माँ बाप होंगे तो आप उनकी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो, आपकी वाइफ की, जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स है उनकी लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हो। सकता है आप उसमें से बच भी जाओ, बट क्या पता आपके बच्चे को या आपके माँ बाप को कुछ हो जाए इसके चक्कर में, तो आपको ये सीरियसनेस पता नहीं चल रही। और अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है ना, तो आपको कोई देखने भी नहीं आ सकता है, आपको कोई मिल भी नहीं सकता है, और डॉक्टर तक आपको छुएंगे भी नहीं, तो भी आपको इसकी सीरियसनेस पता नहीं चल रही, तो भी लोग बोल रहे कि कुछ नहीं होता है। और क्या होना चाहिए और क्या आपको करना है? और आपके लिए जो पुलिस लोग बाहर खड़े हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पे हॉस्पिटल में सबका इलाज कर रहे हैं, आप उनके बारे में तो मेहरबानी करके सोचो कि हमारा जो बेटा है, हमारे जो पापा है, हमारे जो हस्बैंड है, वो अगर आज बाहर जा रहे हैं तो शाम को आते टाइम वो किसी इन्फेक्शन के साथ ना आए या उनको कुछ हो ना जाए, ये सोच सोच के घर में कितने लोग पागल होते होंगे। लेकिन फिर भी वो जो औरतें हैं, वो जो बच्चे हैं, वो हम सबके लिए अपने पापा को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को सैक्रिफाइस करते हैं कि हाँ पापा आप जाके वहाँ पे खड़े रहिए, जिससे कि लोगों के बीच में ये ना फैल जाए, और फिर भी हम लोग साथ नहीं दे रहे। मतलब और क्या करना चाहिए? सरकार जब हमारे लिए कदम उठा रहा है तो हम लोग साथ नहीं दे रहे, और जब सरकार कदम नहीं उठाता, अगर सरकार ने ये नहीं किया होता तो सरकार को बोलते लोग कि हाँ सरकार ये नहीं करता, सरकार वो नहीं करता। और क्या करना चाहिए? आप लोग क्यों नहीं इसकी सीरियसनेस समझ रहे हो? अभी आप लोग क्यों घर में नहीं बैठ रहे हो और आप सिर्फ अपनी जान नहीं और सबकी जान रिस्क में डाल रहे हो?
आपको अगर होता है ना तो आपके पूरे मोहल्ले को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और आपके मोहल्ले में कितने छोटे बच्चे होंगे। हम अपने आने वाले फ्यूचर का और हमारे पास्ट का सबका नुकसान करें, ये समझ में नहीं आ रही बात, फिर भी लोग बाहर घूम रहे, कैसे आपको कुछ नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं, हम नीचे दूध लेने तक नहीं जाते, मैं पिछले 8 दिन से नीचे नहीं उतरी हूँ। बस हमारे 3 दिन पहले हमारे सोसाइटी के नीचे चेकअप हुआ था हमारे सबके, उस टाइम पे मैं और परी नीचे उतरी, तब तक हम नीचे नहीं उतरे और ना उसके बाद उतरे। राज भी जाते हैं ना नीचे दूध वगैरह लेने के लिए, वो भी जरूरत हो तो ही जाते हैं, और जाकर अगर आए ना तो पहले हैंड वॉश करते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, कि वो अगर बाहर किसी से भी कुछ आया हो तो ना, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप लोग बाहर घूम रहे। उन पुलिस लोगों के बारे में सोचो कि आप लोग बाहर ना घूमो, आपको कोरोना वायरस ना हो, आप सेफ रहो, इसलिए वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए उनके बच्चों ने, उनके माँ बाप ने, उनके बीवियों ने उनके हस्बैंड को सेक्रीफाइस किया कि हाँ आप खड़े रहो वहाँ पे। वो बेचारे घर पे जाके कितने सारे इन्फेक्शन लेके जाते होंगे, उनके साथ क्या क्या होता होगा। मैंने कल एक क्या बोलते हेलो पे एक ये आया था, लेट मतलब लेख आया था, वो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था हमारे पति सुबह 6:30 बजे जाते, रात को 12:30 बजे आते, पूरा दिन हम टीवी देखते तो हमारे मन में धक धक होते कि हमारे पति के साथ क्या हो रहा होगा, हमारे पापा के साथ क्या हो रहा होगा, बट फिर भी हम रात को रोते रोते सोते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होता कि ठीक है हमें अरे पति को कल सुबह जाना है जॉब पे, तो ठीक है हम सुबह उठ के उनके लिए टिफिन बनाएंगे, और उनके हस्बैंड को टिफिन खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, वो आपके इसमें लगे पड़े रहते, तो आप क्यों परेशान कर रहे हो और उन लोगों को। बेचारे जो पुलिस लोग है वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं ना, जब नहीं करते ना तो भी लोग बोलते कि पुलिस लोग तो कुछ नहीं करते, अब जब कर रहे तो आप क्यों उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप क्यों उनको और परेशान कर रहे हो। आप अगर उनको मतलब उनके काम में हेल्प नहीं कर सकते, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो उनको परेशान तो मत कीजिए ना। उन्होंने इतना ही कहा कि आप घर पे रहो, आराम से शांति से रहो, तो आपको कुछ बोल तो नहीं रहे, शांति से रहो ना घर में, क्यों बाहर जा रहे हो। इंडिया का आंकड़ा अब तक सबसे कम है, अब तक 23 लोग मर चुके हैं, जो अब तक का आंकड़ा है, मतलब जब मैं शूट कर रही हूँ मैं तब तक का बोल रही हूँ, आगे जाके जब ये वीडियो आएगा हो सकता है तब तक का बढ़ भी जाए। तो आपको तीसरी स्टेज पे जाना है कि यहाँ पे मौतों की जो इटली में हुआ है कि लाशों की लाइन लगी, वैसे लाइन लगवानी है, और करना क्या है आप लोगों को। 1000 से ऊपर यहाँ पे केसेस हो चुकी है इटली में, चाइना में, इटली में तो 10,000 से ज्यादा लोग मर गए। तो आप क्या चाहते हो कि आपके माँ बाप मर जाए, आपके बच्चे मर जाए, या आपको मरना है। आप ये भी सोचो, अगर आपको अपने लिए भी डर नहीं लगता है ना, तो दूसरों के लिए डरिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा। ये कोरोना वायरस 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, 21 दिन और आगे चला, मतलब और कुछ दिन चला तो वो 2 महीने तक समझ लीजिए, वो खत्म होने के बाद आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा। या अगर आपने आपके बाहर रहने के, बाहर घूमने के चक्कर में आपको बोर हो रहा है इसलिए आप बाहर घूम रहे हो, इस चक्कर में अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ हो गया तो आप क्या करोगे, बाद में क्या करोगे। तो आप समझिए ना, जब सीधी सिंपल सी बात है कि आपको घर में रहना है तो रहिए ना घर पे, क्यों फालतू में बाहर घूम रहे। अब तक जब चाइना में ये हुआ था ना कोरोना वायरस का, और चाइना ने जब 32 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, उस टाइम पे चाइना का एक आदमी या एक लेडी, मतलब कोई भी एक इंसान भी बाहर नहीं निकला था घर से, सिर्फ हफ्ते में एक बार उनका ग्रोसरी शॉप खुलता था, वो भी घर में का एक ही इंसान बाहर जाके पूरे हफ्ते की ग्रोसरी लाके घर में रखता था, फिर हफ्ता भर वो घर के बाहर नहीं निकलते थे। और यहाँ लोग बिंदास घूम रहे, मतलब कुछ उनको पड़ी ही नहीं है। अरे कमाल है यार, आप चाहते क्या है चाइना जैसी सिचुएशन हमारी हो। इसीलिए चाइना ने 32 दिन में कंट्रोल किया, अब चाइना के यहाँ पे जो भी मरीज है ना वो उतने ही, उनका आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है वो, इसीलिए क्योंकि चाइना के लोगों ने, जो चाइना की सरकार ने रूल्स बनाए वो उनके लोगों ने फॉलो किए, हमारे लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। सरकार नए नए रूल्स बनाए जा रहे, उन्होंने पहले ये किया था कि सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ग्रोसरी की शॉप ओपन रहेगी, फिर वहां पे भीड़ लगाने लगे, फिर बेचारी सरकार ने पूरे 24 घंटे खुला रखेंगे बोला, तो भी लोग घूम रहे, मतलब ऐसे घूम रहे जैसे कि उनको लग रहा है कुछ होगा ही नहीं। अब क्यों आपको ऐसा लग रहा है, आपको क्या, और आप अपने साथ साथ पूरे मोहल्ले को सबको लेके जा रहे हो, आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे है, वो हमारा आने का आगे का फ्यूचर है, आप उनके बारे में तो सोचिए कैसे, मतलब आपको कुछ नहीं लग रहा, आराम से घर पे रहिए ना। आपको कुछ और तो नहीं बोल रही ना सरकार, ये तो नहीं बोला ना कि आप कुछ और करके दो हमारे लिए। और बेचारे जो पुलिस लोग और जो डॉक्टर लोग बाहर काम कर रहे हैं ना, कितने सारे डॉक्टर्स को अभी कोरोना वायरस पकड़ रहा है, आप उनके बारे में सोचिए, उनके घर वालों के बारे में सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर आप उनके जगह पे होगे तो क्या होगा। ये इमेजिन करके देखिए कि अगर इटली वाली सिचुएशन अगर हमारे यहाँ पे हुई तो क्या होगा, आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो या आप वहाँ पे हो तो आपकी फैमिली मेंबर्स का क्या हाल होगा, ये थोड़ा माइंड कीजिए।
समझ नहीं आती बात, मतलब बिंदास घूमते हो, आपको कुछ नहीं लग रहा है? हम लोग इतने रूल्स फॉलो इसीलिए कर रहे क्योंकि हमें डर है, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का क्या होगा, या हमारे बच्चों का कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, ये सोच के हम घर से बाहर नहीं निकलते। अगर बाहर से आते भी है ना तो हम कड़ी तो को सैनिटाइजर लगाते हैं कि नहीं हमने वो कड़ी को हाथ लगाया है। पता है डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप जिस चीज को छू रहे हो ना उस चीज को ये समझो कि वहां पे कोरोना वायरस है लगा हुआ। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लोग बिंदास घूमते हैं यार। मेहरबानी करो, हाथ जोड़ते हम लोग आपसे। मुझे पता है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप घर में रहो लेकिन फिर भी लोग रहते नहीं, तो मेहरबानी करो स्टे होम इसीलिए नारा चला रहे क्या सब लोग, वो पागल है क्या? तो आप भी घर में रहिए ना, दूसरों को परेशान कीजिए ना खुद परेशान होइए। पता है जो बाहर घूम रहे ना उनकी वजह से वो तो घूम रहे, उनके घर वाले तो होते होंगे शायद परेशान, बट बाकी जो देखने वाले लोग हैं ना वो भी परेशान हो रहे। और ये सिर्फ डरने की बात, अगर ये इसमें से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना क्या डरने की चीज है या ये डराने का काम है, ये डराने का काम नहीं है, ये सच में ऐसी चीज है ना कि इससे इंसान मर सकता है। और पता है आप अपने मरने के लिए नहीं डर रहे हो ना, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स आपके मोहल्ले वाले को कुछ हो गया तो वो मतलब आपके किसी की मौत की जिम्मेदार आप बन रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा आपको? कोरोना वायरस को मारना हमारे हाथ में, बट लोग कोरोना वायरस को मार नहीं रहे, लोग इंसान को मार रहे। ऐसे लोग जो कि बाहर घूम रहे उनको घूमना मजा लग रहा है, उनको अपना शौक पूरा करना है घूमने का, इसीलिए। तो मेहरबानी कीजिए इंडिया के ऊपर और रहम करके आप एक काम कीजिए, सरकार ने जो बताया कि घर में रहिए 21 दिन तक। अगर आप 21 दिन तक सिर्फ घर में रहेंगे ना तो हो सकता है ये बढ़ेगा नहीं, आपको समझ में आ रहा है? इंडिया का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, कल 167 था, आज 181 है शायद, परसों मतलब उससे पहले दिन 100 ही था, मतलब आंकड़ा बढ़ते जा रहा है 150 से, तो आपको बढ़ाना है कल, पता चले नेक्स्ट वीक में और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाए, आपको बेड तक नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। अगर ऐसी सिचुएशन आई ना आपकी वजह से जो आप कर रहे हो ना, तो आपको हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिलेगा, ना कबर मिलेगी आपको डालने के लिए या जलाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, जगह तक नहीं मिलेगी, नंबर लगने पड़ेंगे। तो आपको ये समझ भी नहीं आ रही चीज, फिर भी आप बाहर घूम रहे हो तो प्लीज घर में रहिए, शांति से रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस टाइम को कुछ अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में लीजिए ना, क्यों आपको कोरोना वायरस, ये छोड़ दीजिए टॉपिक, ऐसे समझिए कि मुझे 21 दिन की छुट्टी मिली घर पे आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना है ना, घर में रहना है ना, तो शांति से घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, टीवी देखिए, मोबाइल से गेम खेलिए, जो हम पुराने गेम खेलते थे पहले, जो हम पत्ते खेलते थे फैमिली के साथ बैठ के गप्पे मारते थे, वो सब कीजिए ना, जिसके लिए हमें पिछले कई सालों से टाइम नहीं मिला है, जो हम बचपन के दिन अभी याद करते है। आज सोच के देखिए आप, ये कोरोना वायरस से पहले तक हम सोचते ना यार भगवान करे हमें छुट्टी मिल जाए, कितना काम करे, कितने सालों से हम बस काम ही किए जाए, ये सब सोचते थे ना। अब जब आपको मौका मिला है तो आप वो एंजॉय कीजिए ना, क्यों बाहर घूम रहे? तो प्लीज आप अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए और हम सबके लिए एक मेहरबानी कीजिए कि आप घर में रहिए आराम से, बाहर मत घूमिए, अगर जरूरत पड़ी तो ही बाहर घूमिए, बाहर जाइए, और उसमें भी आप मास्क पहनिए, ये जो हमारे प्रिकॉशन है वो लीजिए। अगर बाहर से आप आ रहे हो तो हैंड वॉश कीजिए, अपने किसी से भी मत मिले, हम तो आजू बाजू वाले से भी नहीं मिलते, हम लोग हमारे बाजू में जो थे ना वो भी 3 दिन से हमारे यहाँ पे नए ना हम गए हैं, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए, क्या पता वो लोग और कितने लोगों से मिलकर आए हो, या उनको भी यही लग रहा होगा कि क्या पता हम लोग कितने और लोगों से मिल के आए हो, तो इसलिए नहीं मिल रहे। आपके घर में बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, उनके बारे में थोड़ा सोचिए और प्लीज इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेके कुछ समझिए। कोरोना वायरस को सिर्फ नेगेटिव वे में मत सोचिए कि कोरोना वायरस आया है डराने की चीज है, बट ये भी सोचिए कि उस वजह से आपको घर में रहने का टाइम मिला है, 21 दिन की छुट्टी मिली है, ये भी सोचिए, कुछ अच्छी चीजें भी इसके बारे में सोचिए कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो घर में रह के, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हो, पुराने यादें ताजा कर सकते हो, पुराने कुछ खेल खेल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो सब कीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा समझ आया होगा, पसंद आया होगा कि नहीं पता नहीं, बट समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको समझ नहीं उनको थोड़ी समझ आ जाए। लोग इतने बेचारे डॉक्टर्स भी वीडियो बना बना के डाल रहे फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो इससे पता नहीं आएगा कि नहीं, बट फिर भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।